सबको नमस्ते। मैं डॉक्टर जी सुजिदा, मैं निर्मला कॉलेज मुआचोड़ा की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरा विषय आदिवासी स्त्री महाश्वेता देवी की कहानियों के विशेष संदर्भ में। और महाश्वेता देवी को मैंने इसलिए चुना क्योंकि उनकी जितनी भी कहानियाँ या रचनाएं हैं वो आदिवासियों पर केंद्रित हैं। हालांकि उनकी भाषा हिंदी तर है, फिर भी उनकी बहुत सी रचनाएं हिंदी में उनका हिंदी में अनुवाद हुआ है। आदिवासी स्त्री, जब आदिवासी स्त्री की बात जब होती है, आदिवासी स्त्री आदिवासी समाज की बुनियाद को बनाती हैं। आधी आबादी को बनाने में उसे कई साल लग गए। सभ्य समाज की स्त्री से उसकी अलग ही पहचान है। वह संपूर्ण पृथ्वी का भार अपने कंधों पर संभाल सकती है। उसकी ऊर्जा का यह रूप हम साहित्य के जरिए समझ सकते हैं। वह अपनी अस्मिता के लिए संघर्षरत है। जल, जंगल, जमीन की इस लड़ाई में आदिवासी स्त्री सबसे आगे है। आदिवासी की अस्मिता उसकी जल, जंगल, जमीन से जुड़ी है। आदिवासी पर रमणिका गुप्ता लिखती हैं, दरअसल आदिवासियों की अस्मिता का प्रश्न जहां उनके नाम की परिभाषा से गहरा संबंध रखता है, वहीं वह उनके सामाजिक संरचना पर जीवन यापन की साधना, जल साधन, जल जंगल जमीन से जुड़ा है। उसका उद्गम उसकी पहचान को पुष्ट करता है, तो उसकी विरासत, भाषा, शिक्षा, संस्कृति और जीवन शैली उस पहचान को जिंदा रखती है। और इस पहचान को जिंदा रखने की सबसे ज्यादा जद्दोजहद जो है वो आदिवासी स्त्री करती है। यहाँ महादेवी, महाश्वेता देवी की रचना गहराती घटाएं, उस रचना को मैंने यहाँ पे लिया है। उस रचना पर जो कहानियां हैं उसमें मात्र मैंने तीन कहानियों को चुना है। महाश्वेता देवी समकालीन भारतीय लेखिकाओं में से एक हैं। उनकी बहुत सी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, उनमें से अग्निगर्भा, जंगल के दावेदार, माहेश्वर, ग्राम बंगला, अमृत संजय, आदिवासी, ईंट पर ईंट, उन्नीत 19वीं धारा का आरोपी आदि। 1996 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। महाश्वेता देवी एक ऐसा नाम है जिनका ध्यान आते ही उनकी कई छवियां आंखों के सामने आ जाती हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी के बलबूते पर अपने व्यक्तित्व को निखारा है। वे एक पत्रकार, लेखिका, साहित्यकार और आंदोलन धर्मा के रूप में जानी जाती हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन आदिवासियों के साथ गुजार दिया। जल, जंगल और जमीन की लड़ाई के संघर्ष में वे हमेशा तनकर सबसे आगे खड़ी रही। उन्होंने पश्चिम बंगाल की दो जनजातियां लोधास और साबर पर विशेष रूप से काम किया है। इन संघर्षों के दौरान आदिवासी जीवन को महाश्वेता देवी ने बहुत करीब से देखा और सुना है। उन्होंने अपना पूरा साहित्य आदिवासी और भारतीय जनजाति को समर्पित कर दिया। अब जिस रचना का मैं जिक्र कर रही हूँ, गहराती घटाएं, उनमें जो सबसे पहली कहानी मैंने चुनी है वो शिकार है। शिकार कहानी में एक लड़की है मेरी। मेरी, जैसा बताया जाता है कि आदिवासी स्त्री को जब हमारे मन में एक चित्र उभरता है तो वैसा चित्र नहीं है। मेरी एक अलग रूप की लड़की है, यानी बिल्कुल गोरी चिट्टी सफेद, देखने में बहुत ही सुंदर। क्योंकि जब अंग्रेज वहां जंगल में आए थे तो उनकी माँ के साथ उनका एक प्रेम संबंध बन जाता है और विवाह वगैरह होने के बाद वो अंग्रेज वापस अपने देश चला जाता है। लेकिन मेरी का जन्म होता है और मेरी हूबहू अपने पिता की तरह है, मतलब अंग्रेजी आदिवासी जिसे हम कहते हैं। वो देखने में भी सुंदर है। मतलब मैं कह रही हूं कि मतलब आदिवासी देखने में सुंदर होते हैं, लेकिन मेरी का रूप यहाँ बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। महाश्वेता देवी ने लिखा भी है, मेरी औराम जब आई
तो वो ट्रेन को जिस तरह देखती थी, यात्री भी नजर पड़ने पर उसे ही देखते। उसकी उम्र 18 थी, दीर्घांगी थी, चेहरा और नाक चपटे, रंग तांबे के रंग सा साफ। सामान्यतः वह सफेद साड़ी ही पहनती थी, मतलब जो भी उसके रूप को देखता वो देखता ही रह जाता। मेरी उस आदिवासी गांव की निडर साहसी लड़की थी। वह प्रसाद नामक एक जमींदार के घर में काम करके अपना पेट पालती है। वह प्रसाद की गायें भैंस चराती थी। गाय चराने में वो बहुत होशियार थी। पूरे गांव में मेरी की दोस्ती थी। वह बाकी औरतों के साथ तीज त्योहार आदि भी मनाती और बहुत खुश रहा करती। वह जालिम नाम के एक मुसलमान से प्यार करती थी। वह उसी लड़के से शादी भी करना चाहती थी। हालांकि गांव में और भी नौजवान थे जो उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरी जालिम से ही शादी करना चाहती थी। और जैसे कि सरकारी कानून बना हुआ है कि जो महुए हैं, महुए के पेड़, उन पर केवल सरकार का ही अधिकार होता है, लेकिन यहाँ इस कानून को मेरी नहीं मानती है। वह हमेशा महुए के पेड़ से जो भी उनका मिलता है, फूल फल जो भी है, वो बाजार जाके बेचती है और अपना जो है वो पेट पालती है। बहुत सी ऐसी बातें इसमें दी गई हैं कि सरकारी कानून बनने से जो जंगल का अधिकार है वो आदिवासियों से छिन गया है। जो महुए बीनने का अधिकार होता है वो आदिवासी स्त्रियों को होता है, लेकिन इस कहानी में दिखाया गया है कि सरकारी कानून के चलते वो महुए से कुछ भी नहीं ले सकती, जंगल उनका नहीं है। सरकारी जो कानून बना है उसमें आदिवासियों से जंगल छीनने की जो बात है वो दिखाई गई है। आदिवासी जंगल में जितनी भी मजदूरी करते उतनी कूली उन्हें नहीं मिलती। इस बात का मेरी अच्छे से जानती थी, इस बात को वो अच्छे से जानती थी, तो वो वहां के लोगों को समझाती है कि मतलब तुम जो इतना यहाँ पे काम करते हो उतनी कूली तुम लोगों को नहीं मिलती। वो वहां के पुरुषों को समझाती और स्त्री और पुरुष के बीच के अंतर को भी वो मानती थी। उसका मानना था कि जो काम पुरुष कर सकता है वो स्त्रियां भी कर सकती हैं। और तभी उनके गांव में एक तहसीलदार आता है जो कि पेड़ वगैरह काटने के लिए, वहां पर कटाई होती है, पेड़ों की कटाई होती है, तो तहसीलदार वहां पे आता है। और तहसीलदार मेरी को देखते ही उस पर अपना दिल दे बैठता है। और यहाँ पर वो जानती है, मेरी जानती है कि तहसीलदार एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, इसलिए वह बार बार जब भी वो उसका उसको मतलब अपनी शादी वो कहता है कि शादी करेंगे तो वो नहीं मानती। वो कहती है कि दूसरा कोई वक्त आएगा तब। वो उसे समझाते हुए कि जाले मुसलमान है और मुसलमान से शादी करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मेरी इस बात को नहीं मानती। और बार बार तहसीलदार के बोलने पर एक दिन मेरी ये योजना बनाती है कि जब तो यहाँ आदिवासियों की संस्कृति में एक त्योहार या तीज मनाया जाता है जहाँ पर स्त्रियाँ शिकार करती हैं और साथ में वो जश्न भी मनाती हैं। उस दिन उन्हें कोई नहीं रोक सकता, वो जश्न करती हैं, शराब पीती हैं, खाना खाती हैं, मात्र स्त्रियाँ ही होती हैं वहाँ पे, पुरुष नहीं होते। तो उस दिन, उस जश्न के दिन मेरी उसको न्योता देती है कि पहाड़ के पीछे तुम आ जाना, मैं भी वहां पे आ जाऊंगी। और इस तरह से जश्न के बीच में वह तहसीलदार से मिलने जाती है और तहसीलदार से मिलकर वो जानती है कि तहसीलदार अच्छा व्यक्ति नहीं है, इसलिए वो उसे मारती है, उसका खून करती है और उसे नदी में बहा देती है। और उसको ये काम करती हुई बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि कहानी में, शिकार कहानी में दिखाया गया है, लिखा भी है कि मेरी अंधेरे में नहीं डरी। अंधेरे में वह इंसान का शिकार करती है क्योंकि वह जानती है कि इंसान से बड़ा खूंखार व्यक्ति इस दुनिया में और कोई नहीं है। वह जानवरों से इतना नहीं डरती जितना इंसान से डरती है, इसलिए उसने उस रात इंसान का शिकार किया। तो कहानी में महाश्वेता देवी ये भी दिखाना चाहती हैं कि जो मनुष्य होता है वही सबसे खूंखार जानवर है,
क्योंकि जब भी वो सामने से तो बहुत हंस कर बात करता है और सामने से सबको हंस हंस के ये मेरा है वो मेरा है करके सबको गले लगाता है, लेकिन पीछे से उसकी उसकी मंशा क्या है हम नहीं जान सकते। और मेरी ने इस तरह से उसका शिकार किया। तो यहाँ पर लिखा भी है कहानी में कि शिकार करती बार उसके हाथ बिल्कुल नहीं कांपे और वो वापस उसके पैसे उसका पर्स लेकर वापस जश्न में वापस दोबारा आ गई। उसके मन में कोई मलाल नहीं था कि उसने कोई शिकार भी किया है। इस तरह ये कहानी है शिकार। और इस कहानी संग्रह की दूसरी कहानी है डायन। जैसा कि हम जानते हैं कि आदिवासी जो समुदाय है सबसे ज्यादा अंधविश्वासी होता है और वो हमेशा से किसी ना किसी विश्वास को पकड़े रहता है, क्योंकि उनका सीधे से पाला जो है वो प्रकृति से है और प्रकृति में जो वो जो नहीं देख पाता उन सबको वो देवता या जो एनर्जी है उसको वो जो नहीं जानता उन वो उन्हें देवता मानता है या फिर प्रेत मानता है या डायन मानता है। और आजकल भी लोगों में यह डायन की प्रथा प्रचलित है, चाहे वो गांव में हो या आदिवासी समुदाय में डायन बनाने की जो प्रथा है वो चली आ रही है। जैसे किसी के घर में कोई अपशकुन हो जाता है और वहां पे कोई औरत गई हो तो एकदम से उस औरत को ही डायन मान लेते हैं, क्योंकि वो अपशकुन वो लाई है और उनके घर में इतना बड़ा अपशकुन हो गया तो उसी ने जरूर कुछ किया होगा। तो ये कहानी भी इसी तरह की है। डायन कहानी जब शुरू होती है तो उसमें हम देखते हैं कि हर कोई एक दूसरे से डर रहा है, क्योंकि उस गांव में एक डायन का जो खौफ है वो सब में बैठ गया है। परिवार वाले सोचते हैं कि मेरी पत्नी डायन है, या ज्यादातर लड़कियां ही औरतों को ही डायन मनाया जाता है। और इस तरह से पूरा गांव जो है दहशत में है। वह एक बार दो लोग जब जंगल जाते हैं तो वहां पहाड़ के पीछे उन्हें एक औरत दिखती है, तो वो कहते हैं कि औरत जो है वो डायन जो है वो पहाड़ के पीछे रहती है। तो इस तरह से मैं कहानी को बिल्कुल संक्षिप्त रूप से बता रही हूँ। तो पूरा गाँव मिलकर जो है वो डायन को खोजने के लिए उस पर्वत के पीछे चला जाता है और पर्वत के पीछे जाकर वो हैरान हो जाते हैं कि वहां पर उन्हें जो औरत मिलती है वह उन्हीं के गांव में उपले बनाने के लिए काम पे लगाई एक बेचारी गूंगी औरत थी, क्योंकि वह औरत कम अकल की थी और किसी ने उसके साथ बलात्कार किया था और वह पेट से थी। और जब लोग डायन को मारने के लिए आग मशाल वगैरह लेके जाते हैं और उसको बाहर निकालने उस गुफा से बाहर निकालने के लिए जब जाते हैं तो देखकर दंग रह जाते हैं कि उसका अभी अभी प्रसव हुआ है और उसकी नाल भी काटी नहीं गई है, उसकी नाल से बच्चा लटका हुआ है और वो खून से लथपथ पड़ी है। तो फिर गांव वाले मिलकर स्त्रियों को बुलाते हैं, नाल काटी जाती है और उसका उसका जो शरीर है वो भी जैसे बेरूप सा बन गया है, क्योंकि बहुत से दिनों से वो वही रह रही थी, सब लोग इसी गूंगी औरत से डर रहे थे। तो महाश्वेता देवी इस कहानी के माध्यम से बताना चाहती है कि एक तो आदिवासी लोग जो है वो अंधविश्वास के चलते डायन की प्रथा को मानते भी हैं और दूसरी ओर इस तरह की वारदातें होती हैं कि जो स्त्रियां हैं जो बेचारी स्त्रियां हैं वो इसका शिकार बन जाती हैं। यहाँ पर जो गूंगी औरत थी वो अपना दर्द किसी को बयां भी नहीं कर पाई और ऊपर से वो कम अकल की थी, इसलिए जब उसके साथ बलात्कार हुआ या उसके साथ जो शोषण हुआ वो किसी से बयां भी नहीं कर सकी और वो पहाड़ उस पर्वत के पीछे रहने लगी। तो इस तरह से डायन की जो प्रथा को रोकने की भी बात है और जो आदिवासी स्त्रियों के साथ जो शोषण होता है उसको भी यहाँ दिखाने की कोशिश महाश्वेता देवी जी ने की है। और अंतिम और तीसरी कहानी इस कहानी संग्रह की रुदाली है। इस पर फिल्म भी बन चुकी है, शायद आपने देखी भी होगी रुदाली, बहुत पुरानी पिक्चर है। और इसमें दिखाया गया है कि ये जो समुदाय होता है वो रोने का काम करता है। जब जमींदार लोगों के घर किसी की मौत हो जाती है या कोई जमींदार मर जाता है तो वहां पर परिवारजनों के अलावा रुदालियों को बुलाया जाता है ताकि मातम बहुत अच्छे से मनाया जा सके। वो जोर जोर से रोती हैं, छाती पीटती हैं, जोर जोर से जमींदारों के लिए जो है वो उनका बखान करती हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है, गुणगान गाती हैं रोते हुए ये सब करती हैं। तो रुदाली कहानी में सनीचरी नाम की एक
स्त्री है। सनिचरी जो है वो जिंदगी में कभी नहीं रोई, जब उसका पति मरा, जब उसकी सास मरी, जब उसका बेटा मरा, वो कभी नहीं रोई, क्योंकि उसको रोना नहीं आता था। लेकिन एक दिन उसे ये काम मिल जाता है कि रुदाली बनना है, और रुदाली बनने से उसका पेट भी भर जाएगा, उसकी घर गृहस्थी भी चलने लगेगी, उसकी जो जिंदगी वो पटरी पर आ गई। तो फिर सनीचंद ने फैसला कर लिया कि मैं रुदाली बन जाऊंगी। और इसी बीच उसकी एक दोस्त, बहुत पुरानी एक दोस्त है, बिखनी करके, काली कमली बिखनी उसका नाम है, तो वो मिलती है, दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो अपना दर्द साझा करती है। बिखनी को उसकी बहू ने निकाल दिया है, दोनों मिलकर फैसला करती हैं कि दोनों एक साथ हम दोनों क्या करेंगे कि रुदाली बन जाती हैं, इससे हम दोनों का पेट भी भर जाएगा और दोनों एक ही घर पे रहने भी लगती हैं। तो रुदाली का जो जो वस्त्र धारणा है या जो कपड़े हैं वो दिखाए गए हैं कि काले रंग के कपड़े ही डालने हैं, क्योंकि मातम के घर जाना है, मातम मनाना है, तो काले कपड़े डालती हैं। और तो और जो है वो गांव शहर में जाकर रांडे हैं, जो वेश्या हैं, उनको भी बुलाना है। तो ये सारी मंडलियां मिलकर जो है वो जमींदारों के घर जाकर मातम मनाती हैं। तो सनीचरी इस तरह से वहां पर उस गांव के जमींदार नथुनी सिंह हो, मोहर सिंह हो, गंभीर सिंह हो, इन सबके मरने पर रुदाली बनकर ये दोनों जाती हैं। वहां पर उन्हें गेहूं मिलता है खाने के लिए, खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं, तो इसकी खातिर वो रुदाली बन जाती हैं। सोचने की बात यह है कि जब उसके परिवार में इतनी मौतें हुई, सनीचरी कभी नहीं रोई, लेकिन अपने पेट की खातिर अब उसे रोना था। तो मैं संक्षेप में कहानी को बता रही हूँ। और अंत में जो है वो बिखनी जो औरत है, उसकी सहेली, उसकी भी मौत हो जाती है। फिर सनीचरी सोचती है कि मैं अकेली रुदाली का काम कैसे करूंगी, लेकिन फिर भी पेट का सवाल है। तो वह क्या करती है कि अकेले ही जाती है और शहर में जाकर वहां पर जो रांडे हैं या वैश्याएं हैं उनको बुलाती हैं और कहती हैं कि चलो चलो, अब रुदाली का काम है, रुदाली किए बिना हम लोगों का जीवन जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। इस तरह वो हार नहीं मानती और वो फैसला करती है कि वह अकेले ही इस काम को अंजाम देगी, और इस तरह से वह अपना काम आगे बढ़ाती है। तो आदिवासी का जो संघर्ष है, चाहे वो कहानी रुदाली हो, डायन हो, या फिर कहानी शिकार हो, इन सभी में अलग अलग मुद्दों पर जो है वो आदिवासी स्त्रियों की बात कही गई है। आदिवासी का संघर्ष जो है वो कभी खत्म नहीं होता, उन्हें हमेशा किसी ना किसी रूप में विस्थापन का दर्द झेलना पड़ता है, क्योंकि उन्हें हमेशा से अपनी संस्कृति से उजाड़ा जाता है, जो उनकी सभ्यता है, जो उनका जंगल है, उन सभी से उन्हें धकेला जाता है। जल, जंगल, जमीन के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने बताया था कि जल, जंगल, जमीन के लिए वो लड़ते हैं, लेकिन उनकी जो लड़ाई है वो आज भी जारी है। आदिवासी स्त्री भारतीय जनजातीय समाज का एक अभिन्न अंग है, जो अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं के लिए जानी जाती है। आदिवासी स्त्री को विभिन्न अधिकारों से वंचित रखा जाता है, जैसे भूमि और संसाधनों पर अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, रोजगार का अधिकार आदि। आदिवासी स्त्री यदि इन सब अधिकारों को पा जाएगी तो वह अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएगी। गोया वर्तमान में भी आदिवासी स्त्री की स्थिति में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आया है। महाश्वेता देवी की ये कहानियां इस बात को पुख्ता कर देती हैं कि आज भी आदिवासी स्त्री शोषण का शिकार है। उनकी मौजूदा हालत में कोई बड़ा सुधार नहीं आया है। इतना कहकर मैं शब्दों को समेट रही हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सुजात जी।